Hello and welcome everyone. In this video, we are going to cover the class 10th geography chapter 3rd, which is water resources. Question number 1. Based on the information given below, classify each of the situations as suffering from water scarcity or not suffering from water scarcity. तो बोल रहा है कि अगर वाटर स्कैर्सिटी है तो आपको यहाँ पे उसको टिक करना है, और अगर वाटर स्कैर्सिटी नहीं है तो फिर वो आपको यहाँ पे चूज करना है. ए रीजन विद द हाई एनुअल रेनफॉल. अगर वहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है तो क्या वो लोग को वाटर स्कैर्सिटी होगी? नहीं होगी, तो नॉट सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कैर्सिटी. बी द रीजन हैविंग हाई एनुअल रेनफॉल एंड लार्ज पॉपुलेशन. अगर बहुत ज्यादा रेनफॉल भी होती है और बहुत ज्यादा पॉपुलेशन भी है तब भी उनकी वाटर स्कैर्सिटी नहीं होनी चाहिए. अच्छा, इसमें जो है इसने कंसीडर किया है ऐसा कि सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कैर्सिटी. ऐसा हो सकता है कि वो सफरिंग करें क्योंकि लार्ज पॉपुलेशन है. तो बी वाले का आंसर हो जाएगा सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कैर्सिटी. सी द रीजन हैविंग द हाई एनुअल रेनफॉल बट वाटर इज हाईली पॉल्यूटेड. तो अगर वाटर हाईली पॉल्यूटेड है तब तो ऑफकोर्स ये लोग सफर करेंगे वाटर स्कैर्सिटी से. D. The reason having low rainfall and low population. Low rainfall है और population भी low है तो फिर नहीं suffer करेंगे water scarcity से, क्योंकि अगर low rainfall हो रही है तो ये एक दिक्कत है, लेकिन population भी तो कम है. Population कम है तो फिर water scarcity नहीं आएगी. Second question है, which of the following statement is not an argument in the favor of the multi-purpose river projects? A. Multi-purpose projects brings water to those areas which suffer from the water scarcity. तो हमें यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन से statements हैं जो कि not an argument in the favor, जो कि favor में नहीं है multi river projects के. तो सबसे पहला जो statement है वो है कि multi purpose projects bring water to those areas which suffer from water scarcity. तो ये multi purpose प्रोजेक्ट्स होते हैं वो उस एरियाज में वाटर को लेके आते हैं जो कि वाटर स्कैर्सिटी से सफर कर रहे होते हैं. तो ये तो एक अच्छा स्टेटमेंट है, तो ये आर्गुमेंट इन द फेवर ऑफ मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट है. तो ये हो जाएगा इन द फेवर. इसका आंसर देख लेते हैं. अच्छा, इसका आंसर ऐसे डायरेक्ट दे दिया है सी. ठीक है, बी पार्ट देख लेते हैं. मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स बाय रेगुलेटिंग वाटर फ्लोइंग हेल्प टू कंट्रोल फ्लड. ये फ्लड कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है, तो ये भी फेवर में ही बात कर रहा है. सी जो है यही इसका करेक्ट आंसर है. इसका मतलब ये वाली जो स्टेटमेंट है वो फेवर में नहीं बात करती है मल्टी पर्पस रिवर प्रोजेक्ट के. मल्टी पर्पस प्रोजेक्ट्स लीड टू लार्ज डिस्प्लेसमेंट्स एंड लॉस ऑफ लिवलीहुड. ये बात तो सही है, जैसे कि डैम्स वगैरह का कंस्ट्रक्शन हो गया, या फिर अब कोई भी अगर कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम करते तो वहाँ की जो रहने वाली पॉपुलेशन है उसको वहाँ से शिफ्ट होना पड़ता है. इसीलिए विलेजर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा शिकायत वगैरह भी करते हैं, या फिर जो लोग ऐसे किनारे वगैरह पे रहते हैं वो लोग भी काफ़ी बार ऐसे शिकायतें करते हैं कि यहाँ पे नहीं होना चाहिए. और फ्लोरा एंड फना को भी काफ़ी डिस्टर्बेंस होती है, मछलियाँ मर जाती हैं कंस्ट्रक्शन वगैरह में. मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फॉर आवर इंडस्ट्रीज एंड होम्स. और ये तो फ़ायदा है कि मतलब इंडस्ट्रीज और होम्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है इससे. तो इसका आंसर सी हो जाएगा. ठीक है, थर्ड, हियर आर सम फॉल्स स्टेटमेंट्स, आइडेंटिफाई द मिस्टेक्स एंड रीराइट देम करेक्टली. कुछ यहाँ पे गलत स्टेटमेंट्स हैं, आपको उसमें मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करना है और उसको वापस से लिखना है. तो इसका ए बी सी डी टोटल 4 पार्ट हैं और ये चारों पार्ट्स हैं, तो इसको स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 जो है, मल्टीप्लाइंग द अर्बन सेंटर्स विद लार्ज एंड मल्टीप्लाइंग अर्बन सेंटर्स विद लार्ज एंड डेंस पॉपुलेशन एंड अर्बन लाइफ स्टाइल हैव हेल्प्ड इन द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज. तो ये स्टेटमेंट तो काफ़ी गड़बड़ है, इसको करेक्ट करते हैं. मल्टीप्लाइंग अर्बन सेंटर्स विद लार्ज एंड डेंस पॉपुलेशन एंड अर्बन लाइफस्टाइल हैव कॉज्ड द ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ वाटर. इसको हाईलाइट ही कर देता हूँ, जो यहाँ पे करेक्शन वाला पार्ट है उसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ. ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ द वाटर रिसोर्सेज. अगर आप बहुत ज़्यादा अर्बनाइजेशन करोगे, लोग शहर में आते हैं, शहर में भी तो कमी होती है पानी की, तो मल्टीप्लाइंग अर्बन सेंटर्स विद लार्ज एंड डेंस पॉपुलेशन, बहुत ज़्यादा घनी आबादी होना, अर्बन लाइफ स्टाइल हैव कॉस्ट ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वाटर रिसोर्सेज. ए पार्ट हो गया, बी पार्ट पे चलते हैं. रेगुलेटिंग द डैमिंग ऑफ द रिवर्स डज नॉट इफेक्ट द रिवर नेचुरल फ्लो एंड इट्स सेडिमेंट फ्लो. तो यहाँ पे इफेक्ट तो करता ही है, तो ये स्टेटमेंट भी इधर पे गलत होती है. इसको वापस से देखते हैं, इसका आंसर देखते हैं. रेगुलेटिंग एंड डैमिंग ऑफ द रिवर्स अफेक्ट देयर natural flow and causes the sediment to settle at the bottom of the reservoir.
और जो फ्लो वगैरह है उसका ये जो चेंज है ये वाला पार्ट भी, रेगुलेटिंग द डैमिंग ऑफ द रिवर्स अफेक्ट द रिवर्स नेचुरल फ्लो एंड द सेडिमेंट फ्लो, तो ये डज नॉट वाली चीज़ हटा देंगे। क्वेश्चन नंबर सी, इसका जो सी पार्ट है वो देखते हैं। इन गुजरात द साबरमती बेसिन फार्मर्स वर नॉट एजिटेटेड व्हेन हायर प्रायोरिटी वॉज गिवन टू द वाटर सप्लाई इन द अर्बन एरियाज पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द ड्रॉट। ऐसा थोड़ी है, उन लोगों ने तो पक्का मतलब विरोधी किया होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन को भी पढ़ते हैं। इन गुजरात द साबरमती बेसिन फार्मर्स वर एजिटेटेड व्हेन द हायर प्रायोरिटी वॉज गिवन टू द वाटर सप्लाई इन द अर्बन एरियाज पर्टिकुलरली ड्यूरिंग ड्रॉफ्ट। डी पार्ट इसका देखते हैं। टूडे इन राजस्थान द प्रैक्टिस ऑफ द रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग हैव गेन्ड पॉपुलैरिटी डिस्पाइट ऑफ हाई वाटर अवेलेबिलिटी ड्यू टू राजस्थान कैनल। ऐसा नहीं है, हाई अवेलेबिलिटी तो है भी नहीं राजस्थान में, इसको भी करेक्ट करते हैं। टुडे इन राजस्थान द प्रैक्टिस ऑफ रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज ऑन द डेक्लाइन ड्यू टू द राजस्थान कैनल। देखिए यहाँ पे सेकेंड पार्ट क्या बोलता है, सेकेंड क्वेश्चन क्या बोलता है, हमें इनको आंसर्स करना है 30-30 वर्ड्स में, तो उससे ज़्यादा भी हो सकता है पर मिनिमम 30 रखिएगा। एक्सप्लेन हाउ वाटर बिकम्स अ रेन्यूएबल रिसोर्स। वाटर इज अ रेन्यूएबल रिसोर्स एज इट इज रेन्यूड बाय द वाटर साइकिल इटसेल्फ वेयर देयर आर थ्री प्रोसेसेस दैट टेक्स प्लेस। नंबर वन इज इवेपोरेशन, देन कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन। जो वाटर साइकिल होती है उसमें समझ लीजिए, अगर यहाँ पे वाटर है तो पहले वो इवेपोरेट होगा, फिर क्लाउड्स मिला के कंडेंस होता है और नीचे गिरता है, तो प्रेसिपिटेशन बोलते हैं उसको। दिस प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल इज नेवर एंडिंग एंड हेंस वाटर इज अ रेन्यूएबल रिसोर्स। सेकेंड पार्ट, वॉट इज वाटर स्कैरसिटी एंड वॉट आर इट्स मेन कॉजेज। वाटर स्कैरसिटी क्या है और इसके मेन कॉजेज क्या है। वाटर स्कैरसिटी और वाटर स्ट्रेस ऑकर्स व्हेन वाटर अवेलेबिलिटी इज नॉट इनफ टू मैच द डिमांड फॉर द वाटर। इट इज कॉज्ड बाय एन इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, ग्रोइंग डिमांड फॉर वाटर एंड अनइक्वल एक्सेस टू इट। थर्ड पार्ट देखते हैं। कंपेयर द एडवांटेजेस एंड द डिसएडवांटेजेस ऑफ द मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स। क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट हेल्प इन द इरीगेशन, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, फूड कंट्रोल, इनलैंड नेविगेशन एंड द फिश ब्रीडिंग। तो ये सब इसके एडवांटेजेस हो गए। इसके डिसएडवांटेजेस ये होते हैं कि रिजर्वायर डिस्ट्रॉय द लोकल फ्लोरा एंड फना, लोगों को भी अफेक्ट करते हैं। मैनी नेटिव विलेजेस आर सबमर्ज्ड एंड द पीपल लूज देयर लिवलीहुड विथ लिटिल और नो होप ऑफ रीहैबिटेशन। देखो एक बार फिर से, अगर हैबिटेट उसे बनाना चाहते हैं वो, तो वो नहीं कर सकते हैं वापस से वहाँ पे, वो अपना हैबिटेट कह सकते हो जो घर वगैरह है वो नहीं बसा सकते हैं, तो ये एक पॉइंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। इसमें आपको आंसर करना है टोटल 120 वर्ड्स में, यानी ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसी के साथ हमारी पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। फर्स्ट पार्ट देखते हैं। डिस्कस हाउ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन द सेमी एरिड रीजन्स ऑफ राजस्थान इज कैरिड आउट। Houses in the semi-arid regions of Rajasthan have traditionally constructed tanks for storing drinking water. तो इन लोगों ने अपने घर में टैंक्स वगैरह कंस्ट्रक्ट कराए रखे हैं। They are big and are part of well-developed rooftop, अपने rooftop के ऊपर rain water harvesting system. The tanks are constructed inside the main house or the courtyard and are connected to the sloping roofs of the houses through a pipe. The rain falling on the top travels down and is stored in the tanks. तो जो रेन गिरती है वो रूफ टॉप पे होती है, तो वहीं पे स्टोर हो जाती है और फिर वो टैंक में कलेक्ट होती है, जहाँ से डिफरेंट पाइप्स के थ्रू वो इन लोगों के घर में सप्लाई का काम करती है। द फर्स्ट स्लीप ऑफ द रेन इज नॉट कलेक्टेड एज दिस वाटर क्लीन्स द रूफ टॉप एंड द पाइप्स। जो पहली बार बरसात होती है तो उसको कलेक्ट नहीं किया जाता है, उसको बहने देते हैं, क्योंकि काफ़ी गंदगी होती है उस पानी में, और जो ये रूफ टॉप वगैरह पे गंदगी होती है उसको साफ करने में काम आता है। जो पहली रेन होती है उसमें जनरली भीगना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो एसिड रेन होती है। द रेन वाटर फ्रॉम द सब्सिक्वेंट स्पेल्स इज कलेक्टेड। दिस वाटर इज यूज्ड टिल द नेक्स्ट रेनी सीजन एंड इज रिलायबल सोर्स ऑफ वाटर इवन आफ्टर द अदर सोर्सेज हैव ड्राइड अप। अगर बाकी सोर्सेज, मान लो वेल आप यूज कर रहे हो पानी के लिए, वो ड्राई अप हो गया, तो ये वाला पानी यूज कर लिया जाता है। द टैंक्स ऑल्सो हेल्प इन कूलिंग द हाउसेज एज द रूम्स बिल्ड अराउंड देम हैव जनरली लो टेम्परेचर्स ड्यू टू द कंडक्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. डिस्क्राइब हाउ द मॉडर्न एडाप्टेशन ऑफ द ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड्स आर बीइंग कैरीड आउट टू कंजर्व एंड स्टोर वाटर. ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग लाइक द रूफटॉप मेथड आर बिकमिंग पॉपुलर इन इंडिया. इन द गेंदाथूर विलेज ऑफ मैसूर अबाउट 200 हाउसहोल्ड्स हैव अडॉप्टेड द रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड. गेंदाथूर करके कोई विलेज है मैसूर में, वहाँ पे 200 घर में जो लोग रहते हैं, तो 200 घर कह सकते हो आप, उन लोगों ने रूफ टॉप को अपना रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए यूज़ किया है ये जो मेथड है, ठीक है. देयर बाय मेकिंग द विलेज रिच इन रेन वाटर द स्टेट ऑफ तमिलनाडु हैज़ मेड इट कंपल्सरली फॉर ऑल द हाउसेज टू हैव अ रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स. डिफॉल्टर्स आर सर्वली पनिश्ड. बोल रहे हैं कि अगर ऐसा कोई डिफॉल्टर, जैसे क्लास में कोई डिफॉल्टर नहीं होता वैसे ही है, कि अगर कोई ऐसा डिफॉल्टर पाया जाता है जिसके घर में रूफ टॉप नहीं लगा हुआ है तमिलनाडु में, तो वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो उसको मतलब पनिश करती है. तो ये एक कंपलसरी चीज़ है जो उनने वहाँ पे कर दिया रेन वाटर हार्वेस्टिंग. तो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा. इसके पहले चैप्टर 2 और चैप्टर 1 वो दोनों भी कवर्ड है मेरे चैनल पे, आप विजिट करके देख सकते हो. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो इसे सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स, अपने स्कूल के ग्रुप्स में शेयर करिए, ताकि उन्हें भी ये वाले क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से समझ आ जाएँ. थैंक्स फॉर वॉचिंग.